बिहार पुलिस की गिरफ्त से अपराधियों की भागने की घटना लगातार सामने आती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वाले संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस की लापरवाही की एक और तस्वीर भागलपुर शहर से सामने आई है, जहां शहर के कचहरी चौक पर स्थित एक होटल में ऐसी तस्वीर देखी गई कि जिसने भी देखा वो पुलिस वाले पर सवाल खड़े करने लगा। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी आनंद कुमार साह को थाने के चौकीदार के द्वारा कोर्ट में पेशी से पहले होटल में बिठाकर मछली भात खिलाया जा रहा है। आरोपी को भाई से मारपीट के आरोप में पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किया गया था और आज जेल भेजने से पहले उसकी कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन उसके पहले चौकीदार रंजीत पासवान उसे एक ढाबे में बिठाकर भात मछली खिलाते हुए नजर आए। कानून के अनुसार पुलिस के गिरफ्त में आए आरोपी को होटल में बिठाकर खिलाने का निर्देश तो नहीं दिया जाता है, लेकिन बावजूद उसके पुलिस वाले उसे होटल में बिठाकर खाना खिला रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कैदी गिरफ्त से भाग जाता तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेता। इस थानेदार ने नियम को ताक पर रखकर इस आरोपी को खाना खिलाया है। अब ऐसे में देखना होगा कि वरीय पुलिस पदाधिकारी या फिर कोई भी बड़ा अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करता है। क्या हुआ है? कौन मामला में? Okay.